ये प्रैंक कर रहा क्या? प्रैंक भाई वो किलो भाई। अबे बेटे दो राउंड देके ये खेलेंगे साले, दो राउंड देके यदि हम भी खेले जीतते हैं। गाइस फ्री किल बोल रहा था कि हम दो राउंड ही ऐसा करेंगे नो इंटरनेट प्रैंक, लेकिन गाइस इस बार हमने सोचा कि तीन राउंड नो इंटरनेट प्रैंक करेंगे। लेकिन कितना खतरनाक गेम प्ले दिखाया था गाइस उस मैच में मैंने, कि मुझे रिपोर्ट मार दिया इन लोगों ने। बताओ एक तो नो इंटरनेट प्रैंक किया हमने, ऊपर से रिपोर्ट भी कर रहे हैं। इसमें देखो काउंट करो फ्री किल ऑफलाइन बंदे में कितना किल कर रहा है। फर्स्ट राउंड में इसने दो किल करा। नहीं नहीं वो ऐसे ऐसे क्या बात है, खतरनाक एस मारो, खतरनाक एस। उस टाइम गाइस मेरे मेन आईडी का स्कोर फ्री किल से ज्यादा था, इसलिए मैं एस के आईडी से खेल रहा था। फ्री किल ने यहाँ पे क्लच मार दिया खड़े बंदों में, ऑब्वियसली ऑफलाइन बंदों में भाई ने 6 किल कर लिया। देखते हैं जब हम लोग खेलना चालू करते हैं तो इसके किल होते भी हैं कि नहीं। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। खतरनाक एस भाई का, कट कर देना प्लीज इसे। हाँ खेलेंगे खेलेंगे खेलेंगे, लेकिन पोर्टल मत लगा तू, हमारा लेस लगा लेस। हाँ कर रहे हैं कर रहे हैं। यहाँ पर फ्री किल अपना सातवां किल कंफर्म कर लिया ऑफलाइन में, और मेरे ख्याल से अगर हम ऑनलाइन हो गए चौथे राउंड से, मेरे को नहीं लगता इसका एक और किल बढ़ेगा। मेरे ख्याल से सातवां और आखिरी किल ही था इसका, अगर बढ़ गया ना इसका एक भी किल इसको फ्री किल बोलना छोड़ दूंगा। बहुत अभी बहुत अभी अब आएगा मजा। शर्म नहीं आए दो राउंड खेल चुका फ्री किल, अभी 7 किल पे है। बताओ इधर बंदा छुपा था, ये मारेंगे मुझे। अलग अलग खेल जीतेंगे जीतेंगे ऐसा मुझे क्यों फीलिंग आ रहा है, ये सारी बातें फ्री किल के लिए बोल रहा है बच्चा। जब बंदा शुरू ना खेलना, जब तुम में ऐसा कोई नहीं मार रहा। देखे देखे सर राइट वाले मत भाई, उसको मैंने ओम मार दी थी भाई। यहाँ पे हर बार कोई भी मारते रहता फ्री किल को मुंह उठा के, यहाँ पे फर्स्ट राउंड मैंने निकाल लिया। अब यार इस वाले मैच में ना मैंने फुल पोटेंशियल गेम प्ले दिखाया नहीं अपना, क्योंकि एक बार पे रिपोर्ट पड़ी चुकी और पड़ जाती तो आईडी का रिस्क था। इसके नेक्स्ट वाले मैच में मैंने क्या ही कोहराम मचा दिया था भाई साहब, उस मैच के सारे बंदों ने रिपोर्ट मारी मेरी आईडी, पता तुम लोग को। बाकी इस मैच के बाद वो वाला मैच दिखाता हूँ तुम लोग को, एकदम खतरनाक गेम प्ले करा है भाई। अबे भाई अकेला बंदा था, बट तो शॉर्ट रेंज भी था यार, उसने भी ओम मारी मैंने भी ओम मारी, फिर उसने स्पैम कर दिया शॉर्ट रेंज से भाई। वेट वेट गेम आएगा मुझे। अच्छा गेम आएगा, अबे तू एक किल तो कर, मैं खुद ही एलिमिनेट हो जाऊंगा, एक किल तो कर तू भाई। तब से गाइस नो इंटरनेट प्रैंक में इसने किल करा है, फिर कहता है मैं सिंगल AWM किंग हूँ, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, कुछ नहीं हो रो तुम हो फ्री किल। बंदे के लिए फ्री दे, भाई साहब ये उम्मीद नहीं थी भाई, ये उम्मीद नहीं थी फ्री किल तेरे से। कितना भी खराब गेम प्ले, मतलब 4 राउंड खेलने का मौका मिला फुल और एक किल नहीं किया है बंदे ने। जब तक ऑफलाइन थे उसमें किल कर लिया, उसकी वजह से ऊपर है। देखते हैं किस बेसिस पे अपने टीममेट्स को बोलता है। ऊपर से एक बंदा ले भाई, 3 राउंड दे के वे जीत रहे हो भाई। ओ पी आर उससे अच्छे तो भाई कैरेक्टर के मेरे से बच रहे हैं भाई। पहला नॉक।
यार आज का दिन ही खराब है। बढ़िया बहाना दिया फ्रीकी, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अब ये वीडियो वो लोग कंटिन्यू करो, इनको मेरा खूंखार गेम प्ले देखना है। भाई सीन क्या हुआ था, मैं काफी दिन से हीरोइक नहीं गया था फुल मैप में, क्योंकि पिछले 10 सीजन से मेरे ख्याल से एक दो बार मैं हीरोइक गया हूँ, वो भी गलती से। मतलब थोड़ा मोड़ा खेल लिया तो हीरोइक पहुंच गया, तो मैं सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहा था। ये वाला मैच जीतता तो मेरा हीरोइक प्लस हो जाता, इसीलिए गाइस मेरे को फुल मैप खेलने का मूड नहीं करता, क्योंकि जल्दी गन मिलती नहीं। गन मिली तो देखो थर्ड पार्टी होने लगी, इसको लग रहा है इसे पता नहीं है किस पे फायर कर रहा है। भाई लॉबी में जाना चाहता है अंदर को। यहाँ पे गए जिसपे फायर हो रहा था, मैं पहुंच गया, सोचा डैमेज होगा, डैमेज था ही, दो हेड में ही मर गया बंदा। और देखो इसको कवर देने आ रहा है। भाई तुझे कवर देने की जरूरत नहीं है, कवर लेने की जरूरत है। इसी प्रकार गए मैंने दो किल कर दिए थे, एक तीसरा बंदा गया, इसको अच्छा नहीं लग रहा था गए मेरे दो किल थे। उस साइड से मैं निकल गया क्योंकि मेरे किल आगे बढ़ नहीं रहे थे, उधर कोई बंदा था नहीं, मेरे खौफ से सारे बंदे भाग गए थे। ये बाइक की स्किन देख रहा हूँ गाइज, ये पहले बहुत कम लोगों के पास थी, उस टाइम बहुत रेयर थी, लेकिन इसको भी रिटर्न ला दिया। वाली बाइक की स्किन दिखा देगा कितना सेटिंग करा था मैंने पहले के टाइम पे, गए क्या बताऊँ तुम लोग। इधर मैं घूम ही रहा था तब तक मुझे सलमान भाई की एंट्री दिखी, उसे मैंने जाने दिया, मैंने सोचा जाने दो बेचारे को, उसको अपने स्क्वाड को बचाने दो ताकि मुझे एक्स्ट्रा किल मिल सके। इसे कहते हैं भाई प्रेजेंस ऑफ माइंड, 69 लेवल की आईक्यू है भाई मेरी। यहाँ पर मैं किल के तलाश में घूम रहा था इधर से उधर, तब एक सामने से बंदा आते दिखा, इसे मैंने हेड हेड मार दिया। अब कुछ बंदे बोलेंगे भाई नोब को मार रहा है, भाई फ्री किल से तो बढ़िया ही खेलते हैं लोग। भाई ये डायमंड 4 की लॉबी है, कितनी एवरेज लॉबी आ रही है भाई, कहाँ चले गए सारे प्लेयर्स फ्री फायर के। थर्ड पार्टी बात ही नहीं कर रहा हूँ, थर्ड पार्टी चालू कर दिया इन लोगों ने, मूड खराब कर देते हैं बीच बीच में ये लोग। उस वाले बंदे को मैंने काफी ढूंढा लेकिन वो नोबड़ा पता नहीं किधर निकल गया था। यहाँ पे सामने एक बंदा था, मैंने वन टैप मारा, भाई ये सोनिया का बटेरी गेम से। यहाँ पे गए मेरे मन में खुराफाती आइडिया है, मैंने सोचा ऊपर से जाता हूँ, ऊपर से हेड मारूंगा, बट यहाँ पे मैंने यार बहुत बड़ी गलती कर दी। पता है क्या करा, एक सोनिया प्लस डिमित्री यूजर आई और मैं उसे हल्के में ले गया, समझ रहे उनको देख के गुस्सा आता है, समझ रहे। इसको पहले मैंने नॉक करा और ऐसे चिढ़ाने के लिए ना इसको फिर से छोड़ दिया रिवाइव होने के लिए। अब इसका नाम नोटिस कर लो गए, ठीक ना। अब देखो ये रिवेंज लगी मैं से आगे चल के, मेरे को बिल्कुल इस चीज़ का अंदाजा नहीं था, मेरे को लगा ये लोग क्या ही रिवेंज लेंगे मैं से, खुद का गेम प्ले नहीं सोनिया डिमित्री लगा खेलते हैं। इसका भी नाम नोटिस करो, ये बहुत किल कर रहा था, इससे भी मेरी आगे चल के फाइट होती है। कहते हैं ना कर्मा लौट के जरूर आता है। सामने एक बंदा घूम रहा था, मैंने उसे नॉक करा, अब मैंने सोचा डैमेज बढ़ाऊं, तब तक वही सोनिया यूजर मिल गई, पर इस बार उसने मुझे नॉक ले लिया। भाई साहब क्या ही तुम्हें बचा, मजाक मजाक में से पता नहीं इसने कितने बड़ी गलती कर दी। 13 किल कर दिया था मैंने, अब मेरा मन था और सारा किल करने के लिए, और उसके लिए बंदों को मैं सोच रहा था और रिवाइव हो जाए जल्दी जल्दी ताकि मैं और किल बढ़ा सकूं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। अब यहाँ पे वो वाला बंदा मिल गया तो बहुत सारे किल कर रहा था, बताओ मेरे रहते हुए कैसे कोई और किल कर सकता है। फिर मैंने इसको औकात दिखाई और इसके टीममेट बचाने आ रहे थे इसको, बताओ। अब मैं ले चलता तो मैं गए फाइनल फाइट में, ये बंदा काफी कैंपर था, ये निकल ही नहीं रहा था, पीक दे नहीं रहा था, और मेरे को था कि भाई इसे मार के अब इतना अच्छा गेम गया था, मैं सोचा इसे मार के जाऊं। यहाँ पे गाइस किसी की पेटी में से मुझे लैंडमाइन मिली और मेरे पास वॉल ऑलमोस्ट खत्म ही हो गए थे, तो मैंने कवर ले लिया, लैंडमाइन था और ये निपट गया बंदा। इस तरह मेरा 19 किल सोलो वर्सेस स्क्वाड में बोया हो गया और हीरोइक भी हो गया। अब प्रूफ के लिए देख सकते हो इस सीजन का मेरा हाईएस्ट किल था 19 और वो उसी मैच का था। कमेंट करके बता देना जरूर गाइस, ये बीआर रैंक वाली वीडियो और चाहिए तुम लोग को कि नहीं, अच्छी लगी तो भी कोई दिक्कत नहीं तो बता देना, अच्छी लगी और चाहिए तो भी बता देना।